गैलेक्सी क्लस्टर भी हमारी इस फूड फाइट जैसा ही होता है, सिर्फ इन गैलेक्सी क्लस्टर के मर्जर ही बहुत मैसी नहीं होते हैं, बल्कि इन गैलेक्सियों के बीच भी काफी स्पेस होता है और वो काफी हद तक मीट बॉल जैसे होते हैं, प्लेट पर एक दूसरे को पार कर जाने वाले, मगर गैस काफी हद तक सॉस जैसी होती है जिसे प्लेट में डालते ही वो प्लेट से टकराती है और फिर वो वहीं पर रुक जाती है। मगर डार्क मैटर काफी हद तक पास्ता जैसा होता है क्योंकि ज्यादातर पास्ता भी एक दूसरे में मिल नहीं पाता, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ डार्क मैटर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो बाकी सबसे थोड़ा धीमे भी पड़ गए हैं। जब मस्केट बॉल के अंदर एक डार्क मैटर दूसरे डार्क मैटर से मिला, तब विल की टीम ने देखा कि ग्रेविटी से अलग एक फोर्स हरकत में आ गई। अगर इन्हें इस बात से जुड़े और सबूत मिल गए तो हो सकता है कि ये जल्दी ही शैडो यूनिवर्स के दरवाजे पर भी पहुंच जाए। अगर हमें ऐसा ही काउंटर बैलेंस उन दूसरे मर्जरों में भी दिखा जो बास्केटबॉल क्लस्टर में नजर आया है, तो वो इस बात का सबूत होगा कि मर्जर के वक्त डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से इंटरैक्ट करता है, और उससे ये साबित हो जाएगा कि एक और नई डार्क सेक्टर फोर्स भी है। थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट जेम्स बुलक भी विल के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर क्या करना चाहता है। वो ये सिमुलेट कर रहे हैं कि गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर कैसी होनी चाहिए जब डार्क मैटर पार्टिकल के बीच अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ और फोर्स लग रही हो। मैं तो बस उसे ही इंटरप्रेट करना चाहता हूँ जो कि विल देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम आपस में टकराने वाले गैलेक्सी क्लस्टरों का एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होंगे, और फिर हम उस सिमुलेशन को चलाएंगे और उसमें एक वक्त पर हम डार्क मैटर के इंटरेक्शन पूरी तरह से बंद कर देंगे। हम उसे दोबारा चलाएंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ डार्क मैटर के सेल्फ इंटरेक्शन को ही चलाकर ये देखेंगे कि क्या होता है। सवाल ये है कि उनमें से कौन ब्रह्मांड जैसा नजर आता है। जेम्स के सिमुलेशन से तो यही लग रहा है कि डार्क मैटर को अपने आप से इंटरैक्ट ही करना चाहिए, वरना हमारा ब्रह्मांड वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। अगर डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से ही इंटरैक्ट करता है, तो क्या वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बदल चुका है? शायद वो उन तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड का पैरेलल वर्जन हो जिसे हम देख रहे हैं। अगर वो उस अंधेरे में घूम रहे हो और हमें नहीं दिख रहे हो, पर वो पृथ्वी से टकराने वाले हो, तो जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो हमारे जैसा ही नजर आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी नाक थोड़ी शिफ्टेड लगती है, आंखें भी अनबैलेंस्ड नजर आती हैं। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग ने पार्टिकल के मिरर इमेज पेयर बनाए थे, मगर वो रिफ्लेक्शन इतने डिस्टॉर्टेड थे कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। वो मिरर पार्टिकल ही डार्क मैटर हो सकते हैं। अगर हमारा और हमारे रिफ्लेक्शन का कांटेक्ट हो जाए तो क्या होगा? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट फुट मानते हैं कि डार्क मैटर हमारी दुनिया में आ भी चुका है। उनका कहना है कि हमने शायद उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आते वक्त महसूस भी किया हो। मुमकिन है कि डार्क मैटर के बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह के नीचे दबे पड़े हों। रॉबर्ट का यह संदेह इस बात पर बेस्ड है कि ब्रह्मांड को सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसे शरीफों के खेल लॉन बॉलिंग की मदद से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मैं चाहे अपने दाएं हाथ से बोल करूं या फिर अपने बाएं हाथ से, नतीजा तो वही होने वाला है। जब रॉबर्ट इन बॉलों को लुढ़काते हैं, तब उनके शरीर से जो फिजिकल फोर्स निकलती है वो बराबर ही होती है, भले ही वो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें या बाएं। करीब करीब ऐसा ही उस वक्त भी होता है जब लेफ्ट और राइट हैंडेड पार्टिकल कुदरत की फंडामेंटल फोर्स से इंटरैक्ट करते हैं। जब एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को महसूस करते हैं, तो वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ भी होता है जो न्यूक्लियाई के एटम को साथ में बाइंड कर देती है। जाहिर है, पार्टिकल चाहे कोई भी हैंडेड हो, फोर्स अपना असर एक ही तरह से डालती है। मगर एक फोर्स ऐसी भी है जो इस लेफ्ट राइट सिमेट्री को नहीं मानती, वो फोर्स जिससे रेडियो एक्टिव डिके होता है, वीक फोर्स। वीक इंटरेक्शन में अगर मैं बाएं हाथ से बोल करूं तो बॉल टारगेट से टकराती है,
लेकिन अगर मैं दाएं हाथ से बोल करता हूँ तो बॉल टारगेट के पार चली जाती है। रॉबर्ट मानते हैं कि इस एनोमली की मदद से डार्क मैटर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड की सिमेट्री बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना होगा आईने में। मैं आईने में देख रहा हूं और करीब करीब सिमेट्रिकल ही नजर आ रहा हूं, मगर ऐसा है नहीं। समस्या है मेरी घड़ी, मैंने इसे अपनी बाईं कलाई पर बांध रखा है, मगर आईने में यह दाईं कलाई पर दिख रही है। रॉबर्ट उस वीक फोर्स जैसे ही हैं जिनकी घड़ी बाईं कलाई पर ही बंधी रहती है, मगर इन्होंने इस एसिमेट्री को दूर करने का एक उपाय ढूंढ लिया है और ले आए हैं अपना ही एक और वर्जन। मान लीजिए कि मेरा जुड़वा भाई है और उसकी घड़ी बाईं कलाई पर नहीं बल्कि दाईं कलाई पर बंधी है। रॉबर्ट मानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसी तरह से काम करते हैं। रॉबर्ट और उनके सहयोगी मानते हैं कि ब्रह्मांड को सही मायनों में सिमेट्रिकल बनाने के लिए वीक फोर्स की मिरर इमेज बहुत जरूरी है और उसे मिरर इमेज के उन पार्टिकलों पर असर भी डालना होगा जिन्हें मिरर मैटर कहते हैं। हर पार्टिकल का एक जुड़वा भाई होता है और जिस तरह से ऑर्डिनरी पार्टिकल अपने लेफ्ट हैंडेड स्पिन के साथ जोड़ी बना लेते हैं, वैसे ही मिरर पार्टिकल्स को भी अपने राइट हैंडेड स्पिन के साथ जोड़ी बनानी चाहिए। मिरर मैटर पार्टिकल बड़े स्थिर होते हैं और हमें नजर भी नहीं आते हैं, बिल्कुल डार्क मैटर की तरह। रॉबर्ट और इनके सहयोगी मानते हैं कि अगर वो सचमुच हैं तो वो डार्क मैटर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एक और बड़ा मतलब भी होगा। उसका मतलब ये होगा कि हमारे ब्रह्मांड का भी अक्स उस दुनिया में बन रहा है जिसे हम देख नहीं पाते। इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि मिरर स्टार होंगे, मिरर सुपरनोवा होंगे। सच तो यह है कि ऑर्डिनरी मैटर के साथ जो कुछ भी होता है वो मिरर मैटर के साथ हो सकता है। मिरर प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी शायद हमारे ब्रह्मांड के अंदर उतनी ही जगह लें जितनी जगह रेगुलर मैटर ने ले रखी है, पर वो मिरर स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आएंगे, वो उस मैटर के पार चले जाएंगे जिसे हम जानते हैं। जब तक हम ये पता नहीं लगा पाते कि हम उस शैडो रेल्म से कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, तब तक हम ये कैसे जान पाएंगे कि रॉबर्ट की बातें सही हैं? इनकी थ्योरी का सबूत तो शायद पहले ही पृथ्वी पर आ चुका है एक मिरर मैटर एस्टेरॉयड के रूप में। जब हमारा सौर मंडल बना था तब पार्टिकल के झुंड दूर दूर तक फैले हुए थे और अगर उन्हें जरूरत लायक मिरर मैटर मिल जाता तब वो एस्टेरॉयड बना लेते और आज भी हमारे सौर मंडल में मौजूद हो सकते हैं। कभी कभी वो पृथ्वी से टकरा जाते हैं और तब बड़े चौंकाने वाले नजारे सामने आते हैं। अगर एक मिरर मैटर एस्टेरॉयड सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स पर ही रिस्पॉन्ड करता है तो वो हमारे पृथ्वी की सतह के पार भी निकल जाएगा और हमें पता तक नहीं लगेगा। मगर रॉबर्ट मानते हैं कि एक तरीका ऐसा है जिससे मिरर मैटर और रेगुलर मैटर इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब एस्टेरॉयड के मिरर फोटॉन्स पृथ्वी के ऑर्डिनरी फोटॉन से टकराते हैं तब दोनों पार्टिकल से फ्रिक्शन पैदा होता है। उससे इतनी गर्मी पैदा होगी कि एस्टेरॉयड आग का गोला बन जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। अंत में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह के नीचे जाकर रुक जाएगा। इस तरह से एस्टेरॉयड पृथ्वी के नीचे जाकर रुक जाएगा, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी चारों तरफ फैल जाएगी काफी दूर तक। हो सकता है उससे क्रेटर नहीं बने पर उससे एनर्जी तो जरूर निकलेगी, उससे शायद जमीन पिघल जाए। सन 1932 में खोजकर्ताओं को लीबिया के रेगिस्तान में रेत के टीलों के ऊपरी परत के नीचे पिघले कांच की परतें मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दहकते एस्टेरॉयड के टकराने से पिघल गए थे, मगर क्रेटर कहीं नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पृथ्वी से एक रेयर मिरर मैटर एस्टेरॉयड के टकराने का सबूत हो? वहां क्रेटर नहीं बना था, टक्कर के स्पष्ट संकेत नहीं थे, मगर ये एक बड़ा रहस्य है और इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। मिरर मैटर और मिरर एस्टेरॉयड भले ही साइंस फिक्शन की बात लगते हो, मगर रॉबर्ट का कहना है कि उन्हें नहीं मानना भी एक एसिमेट्रिक ब्रह्मांड को कबूल करने जैसा ही है। लेकिन अगर शैडो यूनिवर्स हमारी दुनिया में आया है तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि वो कहां छिपा है। ये फिजिसिस्ट अब डार्क मैटर का एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रही है। ये अभी तक का सबसे सेंसिटिव डिटेक्टर बनाना चाहती है।